गुड। डिस्क्रिप्शन में आपको एक अपने नर्सरी के पेज का लिंक दूंगा, तो उधर जाके गाइस आपने चेकआउट करना है। हम कुछ प्लांट्स बेच रहे हैं बहुत ही सस्ते में गाइस। हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी दोपहर के 12 बजने वाले हैं एंड जस्ट मैं अभी बगीचे से आया था, थोड़ा मैं फ्रेश हुआ हूँ एंड अभी जस्ट मैं फिर से जा रहा हूँ वापस बगीचे। तो आज हमारा बगीचे में चला है काम तना पेस्ट लगाने का, क्योंकि तना पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस एक तो उससे बीमारी मर जाती है जो कि तने में लगी होती है, एंड सेकेंड थिंग उसमें गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा कैसे धूप लगती है, तो धूप से उसका जो तना बच जाता है एंड पेड़ से बचता है। तो अभी का सीन ऐसा, अभी मैं गैस बगीचे जाऊँगा और गैस दीदी और मम्मी लगा रहे हैं पेस्ट एंड मेरा काम उसमें आगे जो उसके तने हैं उनको साफ करना। उसमें ना सूखी सूखी पपड़ी लगी होती है बाहर, तो उसको निकालना ताकि पेस्ट अच्छे से लग पाए। अगर उन पपड़ी को मैं नहीं निकालूंगा फिर जाके ऐसा होगा कि पेस्ट तो लगा दिया उन्हें, ठीक है, बाई चांस बीच में पपड़ी नीचे उखड़ गई तो फिर पेस्ट का फायदा नहीं है, वो उसके साथ निकल जाएगा। मुझे बढ़िया तना साफ करना है ताकि उसमें जो बीमारी है वो इधर निकल सके एंड उसमें बढ़िया पेस्ट लग सके। तो बस फटाफट से अभी चलते हैं बगीचे। बस पेस्ट लगाना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि गर्मियों में ना तनाव से बच जाता है एंड अभी बढ़िया मस्त धूप लग रखी है, तो काम करने का ऐसे में गैस मज़ा आ जाता है। तो देख ही सकते हो भाई, बिल्कुल साफ मौसम है चारों तरफ, कहीं भी बादल, एक तक बादल नहीं है। वो देखो गैस, दूर दूर तक बिल्कुल साफ मौसम है। अभी जस्ट गैस फटाफट से चलते हैं बगीचे। तो वैसे उधर तना पेस्ट लगा दिया है, इधर 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 इस वाले खेत में ना, पूरे खेत में लगा दिया एंड उधर वो लोग लगा रहे हैं एक, उधर दो। तो चलो मैं अपना काम करता हूँ। बस ये लग रहा है ये तो भी ना गीला है, जब सूख जाएगा तो काफ़ी अच्छा देखने को भी होता है। और भाई ये है पेस्ट, इसमें कुछ ना थोड़ा पानी मिलाकर ठीक किया इसको, नहीं तो फिर बहुत गाढ़ा होता है बिना पानी के। तो इधर लगा रहे हैं। तो इसमें साफ करने का तो जी बड़े बड़े पेड़ है, नहीं तो पुराना पेड़ है, बट जैसे कि वो वाला पेड़ है उधर, ये वाला एंड ये वाला, इन वाले पेड़ों में ज़्यादा साफ़ करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें ना ऐसे सूखी पपड़ी सी बाहर लग जाती है। वैसे हमने पहले भी इसको साफ़ कर लिया है, जिस टाइम वो ना इसका हम ये वाला साफ़ कर रहे थे नीचे, तो अब इसको प्रॉपरली साफ़ करना है। कुछ ऐसे देखो, ये पपड़ी होती है, ये वाला एरिया देखो, ये वही यहाँ पे एक पपड़ी है, इसको ऐसे निकाल के अगर ये इसी में रहे ना फिर, तो जैसे ये यहाँ है ये वाली है ना, अगर इसी में रहे तो इसमें पेस्ट लगेगा बार से एंड फिर कभी उखड़ जाएगी बार, और फिर फ़ायदा नहीं है। तो साफ़ करने की ज़रूरत तो सिर्फ बड़े पेड़ में होती है, बाकी जो छोटे पेड़ होते हैं उसमें साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी चमड़ी बिल्कुल साफ़ रहती है, उसमें पपड़ी नहीं जमी होती है। बाकी जो बड़े पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ होते हैं, उसमें पपड़ी जमी होती है। तो अभी मैं फटाफट से ना इसको साफ़ करता हूँ। जैसे कि ये तो थोड़ा सूख भी गया है, बट फिर भी एक दो साल फसल दे देगा, तो ऐसे कर कुछ पपड़ी मैंने साफ़ करनी है ऐसे ऐसे करके, और ऐसे करके बढ़िया इसमें पेस्ट लग जाए। मैंने आपको बताया था पहले कि आजकल बगीचे का काम चला फुल ऑन पावर, तो अभी एक काम पेंडिंग रह गया है, चूना डालना। कुछ में तो डाल दिया है नीचे एंड कुछ में नहीं डाला है, एंड एक काम और रह गया है स्प्रे करना। तो कहीं स्प्रे हम आई थिंक कल परसों तक करेंगे, संडे तक करेंगे, तो व्लॉग आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आजकल तो बगीचे का काम ही चला गया टोटली, अभी तना पेस्ट लगाना फिर स्प्रे वगैरह, अभी काफ़ी सारा काम है। तो ये ना इसका तना यहाँ से लेकर यहाँ तक तना तो ये होता है ना नीचे वाला, बट फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर तक इसको लगाना पड़ता है ताकि बढ़िया सेफ बचे इसकी टहनियाँ एंड और तना एंड। तो अभी इसको ना बढ़िया प्रॉपरली साफ करना पड़ता है भाई ऐसे ऐसे। तो चलो गाइस फिलहाल काम करते हैं एंड फिर आपको। मैं जस्ट आया हूँ घर और आज हमारा गेस्ट आया है, ये है मेरे मामा श्री का बेटा, छोटे मामा जी का बेटा। तो वैसे इसका नाम है शान, हम जस्ट बगीचे में काम कर रहे थे और ये वहाँ से आ गया है। इसको यहाँ पे चाय पिलाते हैं एंड फिर इसने जाना है दूसरे मासी जी के घर, तो मतलब नज़दीकी है मेरे मासी लोग, तो चलो इसको चाय पिलाते हैं। तो गाइस अभी दोपहर के 2:30 बजने वाले हैं, बजने वाले के बज ही गए लगभग एंड अभी हम कंटिन्यू काम कर ही रहे हैं। और सूख के कुछ ऐसा लग रहा है गाइस जी ऐसा, एंड उधर कुछ मतलब अभी का जो ये पेस्ट गाइस जी उतना कलरफुल नहीं है जो पहले वाला पेस्ट आता था आज से एक दो साल पहले, गाइस वो बिल्कुल बिल्कुल ब्लू होता था, बट ये देखो ये उतना ब्लू है ही नहीं, ये कमी ब्लू है। तो गाइस पहले वाला पेस्ट होता ना बिल्कुल ब्लू होता था एंड
दोस्तों दूर से इतना भयंकर दिखता ना भाई, बगीचा इतना जस्ता था ना दूर से, ब्लू 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 पेड़ दिखते थे, बट ये तो पता नहीं कुछ उतना ब्लू है नहीं, बट फिर भी है थोड़ा बहुत है ही। तो गाइस चलो चलते हैं, फिलहाल अपना वर्क रखते हैं कंटिन्यू। तो वो हो गया है, वहाँ से हमने सुबह स्टार्ट किया था, वहाँ से लेकर तो वहाँ से यहाँ तक अभी पहुँच गए। पहले सिर्फ हम ये वाला जो एरिया है कवर कर रहे हैं, एंड यहाँ से परे वाले एरिया हम करेंगे बाद में कवर, पहले हम ये वाला एरिया करेंगे कवर। तो ये जब भी है तो ये कैमरे में ना ज़्यादा वाइट दिख रहा है, बट रियलिटी में बता दूँ थोड़ा ब्लू है, वो आप देख ही सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ब्लू दिख रहा होगा आपको, बट उतना ब्लू है नहीं जितना का पहले वाला पेस्ट होता था। सर मैंने डेली व्लॉगिंग बंद कर दी थी, इसका रीज़न ये था कि डेली व्लॉगिंग में रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा था, एंड डेली मुझे कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा था। कॉन्टैक्ट उनके पास डेली होता जिनका भी मतलब कोई काम वाले हो, कहीं कंटिन्यू जाते हो, या फिर उनके पास कुछ व्हीकल हो, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तो फिलहाल अब सीन ऐसा है, मैं डेली व्लॉगिंग फिर से करूँगा आज से स्टार्ट, आज मेरा पहला ये डेली व्लॉग है, एंड अब तो डेली व्लॉगिंग भी अच्छा है, कुछ कंटेंट मिले या ना मिले, डेली व्लॉगिंग जो पहले आदत पड़ी थी ना वो टूटी है कुछ दिनों में, वो टूट दी गई। उसके बाद जब मेरा चैनल थोड़ा सा मतलब हैक टाइप हो गया था, उस टाइम टूट गई थी वो डेली व्लॉगिंग की आदत, फिर उसके बाद मैंने डेली व्लॉगिंग करी नहीं, बट अब फिर से शुरुआत से। उसमें गाजी ये नीचे ना डाला है चूना, ये ना नीचे की बीमारी होती है कि बुलिया फिस उसको मार देती है, उतना को साफ करने की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ बड़े पेड़ में, क्योंकि उसमें ना सूखी सूखी पपड़ी होती है, बाकी छोटे पेड़ का ऐसे क्लीन होता है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो ये छोटा पेड़ है, इतना गर पेड़ है, एंड इसमें बिल्कुल क्लीन इसकी स्किन है, देखो देख सकते हो, इसमें पपड़ी थी यार, इसमें देखो उधर कैसे मतलब बड़े पौधे पौधे लग ही जाते पता। तो चलो गाइस अभी रखते हैं अपना वर्क कंटिन्यू, एंड अभी जस्ट मुझे ऊपर जाना है। ऊपर स्थाना फेस्ट होगा ख़त्म, एंड जस्ट मैं भी उसकी बाल्टी लेने आया हूँ, और ये भाई भारी है बहुत ज़्यादा, तो उसमें कुछ पानी डाल करना है, इसको बढ़िया से मिक्स करते हैं। तो ये रही गैस वो बाल्टी, तो उसको ना फटाफट से गैस ऊपर ले चलते हैं। आजकल ना भाई मैं सच्ची बोलूँ बाट लगी पड़ी है काम करके घर पर। तो ये रहा हमारा आज का गेस्ट, एंड ये भी मेरे वीडियोज देखता है डेली, किसके फ़ोन में? अच्छा तो ये है मेरे मामा श्री का बेटा छोटे वाला, एंड इससे बड़े वाला एक और है, तो ये भी बगीचे आ गया है क्योंकि घर पे कोई नहीं था तो बोर हो जाता वहाँ पे खेल ले, तो फिलहाल अभी बगीचे में, तो काम कंटिन्यू रखते हैं। तो गाइस अभी शाम के 4 बजने वाले हैं, एंड जस्ट यहाँ से धूप उड़ गई है, तो फटाफट से गाइस यहाँ पे काम क्लियर करते हैं, एंड मुझे फिर घर जाना है, मुझे घर में कुछ और काम करना है, जो कुछ गाय के लिए कुछ ले आना है, बोलते हैं ना गाइस वो लाना, तो शूट कर रहा है मेरी वीडियो मामू का बेटा, तो फटाफट से गाइस यहाँ पे काम इसको क्लियर करते हैं एंड फिर चलते हैं। थोड़ा सा काम गाइस कल के लिए भी रहेगा तो कल कर लेंगे, तो चलो करते हैं। एक पोर्शन का एरिया हो गया कंप्लीट, एंड दूसरे पोर्शन का एरिया रह गया कल के लिए, तो अभी हम इसको कल करेंगे, एंड मम्मी और दीदी तो लगे हैं, बस हम घर जा रहे हैं, हमें कुछ और काम करना है उधर, एंड मेरे साथ है अपना गेस्ट आज, तो चलो फिलहाल गाइस घर चलते हैं, एंड मैं सुबह नहाए भी नहीं हूँ, मैं तब करके नहीं नहाया क्योंकि दिन में काम करना था, तो फिलहाल अब मैं बाद में नहाऊंगा। तो अभी शाम के 6 बजने वाला है, एंड जस्ट गाइस अभी मैं नहाने वाला हूँ क्योंकि सारे दिन तो काम करा है, एंड तो चलो फिर फटाफट से नहाते हैं गाइस, फिर आपको मिलते हैं। मैं फाइनली नहा धो के गाइस फ्रेश हो गया हूँ, एंड तो मैं सजेस्ट करता हूँ पहाड़ वालों को नहाने को, जो भी मतलब जहाँ के भी है भाई, सुबह या शाम मत नहाया कर क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा भाई, दिन को नहाया कर धूप में। तो चलो अभी नहा धो के फ्रेश हैं, फिलहाल डिनर की तैयारी करते हैं। तो अभी गाइस फिलहाल डिनर टाइम हो गया, तो चलो डिनर करते हैं, एंड आज दिन में कुछ ज़्यादा खास नहीं था, बस बगीचे का काम ही है अभी, तो कुछ और काम भी है गाइस अभी स्प्रे करने के, थोड़ा बहुत मतलब और काम है, तो काफ़ी दिनों तो कुछ दिन तक आपको
बगीचे के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एंड अब आज से मैंने डेली व्लॉग शुरू कर दिया, अब दिन कुछ कंटेंट हो गया नहीं तो मैं डेली व्लॉगिंग करने वाला हूँ। तो चलो यार गाइस आज के व्लॉग करते हैं, पर एंड होप करता हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर गाइस पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर देना। तो गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक अपने नर्सरी के पेज का लिंक दूंगा, तो उधर जाके गाइस आपने चेकआउट करना है। हम कुछ प्लांट्स बेच रहे हैं बहुत ही सस्ते में गाइस, बहुत ही सस्ते में, तो जाके गाइस देख लेना, डिस्क्रिप्शन में पेज का लिंक है, उधर विजिट करना एंड उधर नंबर दिए गए हैं, एंड या तो कमेंट कर देना या तो मैसेज कर देना या तो नंबर कर देना, तो गाइस बहुत आप परचेज कर देना तो स्टॉक कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए फटाफट से कर देना। तो मिलते हैं गाइस आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।